हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके जून माह के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ के एक हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, जिस किसी को भी चाहिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट पर फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर कर दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। इसमें केवल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जनवरी 2019 से लेकर जून 2019 तक का एक हाफ ईयरली करंट अफेयर है ये। इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े देखने मिलेंगे। इसमें जो रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है, रिपोर्ट में आपका बेरोजगारी दर के जो आंकड़े आए हैं एनएसएसओ के, इसके साथ साथ आपके वन रिपोर्ट जो आया है वो है बेरोजगारी दर है, उसके अलावा बाल मजदूरी का क्या छत्तीसगढ़ की क्या पोजिशन है उसके आंकड़े है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कृषि की क्या स्थिति है, कृषि में जैसे धान की खरीदी, तेंदुपत्ता की खरीदी, वन उपजों का समर्थन मूल्य, ये सारे आंकड़ों को कवर किया गया। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर आपके छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, भूपेश बघेल सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की सूची, साथ ही साथ आपके 17वीं लोकसभा में आपके अखिल भारतीय स्तर पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आंकड़े हैं उसे शामिल किया गया है, और 17वीं लोकसभा में आपके छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रही, ये सारी चीजों को आपका शामिल किया गया है। ठीक, देखिए इसमें बुक पब्लिश कर सकता था लेकिन इसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा नहीं है, 30 से 35 पेजों का ये कुछ कलेक्शन है, लेकिन इसमें सारे चीज़ों को कवर किया गया है। जबरदस्ती के अगर मैं को बुक पब्लिश करने के उद्देश्य से अगर इस पीडीएफ को बनाना होता तो मैं नेट से काफ़ी चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट करके थ्योरी पोर्शन को भर के मैं चीज़ों को बता सकता था, लेकिन चीज़ों को सरल बनाने के लिए इसमें मैंने काफ़ी फ्लो चार्ट के जरिए, मैप के जरिए, टेबल के जरिए चीज़ों को एकदम छोटा करके समझाने का इसमें मैंने कोशिश किया है। ठीक, पढ़ने के लिए अभी आपके पास जनरल स्टडी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर को पढ़ करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, हर 6 महीने या 4 महीने में आपके करंट अफेयर के जो आंकड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो एकदम कम मात्रा में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चीज़ें सारी चीज़ें कवर की गई है, इस ये जो आपका पीडीएफ है ये अभी आगामी सहायक शिक्षक एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो सीजीपीएससी मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपके छत्तीसगढ़ के जो रिपोर्ट और रैंकिंग है वो आपको एंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं काम आएंगे। रिपोर्ट हो गया, रैंकिंग हो गया, कृषि उत्पाद में छत्तीसगढ़ की स्थिति हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, ये सभी के सभी आपको एंसर राइटिंग में इसके आंकड़े काम आ सकते हैं। ठीक, तो जिस किसी को भी चाहिए लिंक शेयर कर दिया गया है वहां से ले सकता है। यदि आपको डाउनलोड करने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके नीचे ही आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या आपको यदि डायरेक्टली परचेस करना है तो आप व्हाट्सअप में जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, पेटीएम, गूगल पे, फोनपे के माध्यम से भी आपको डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2019। देखिए सबसे पहले नंबर पर है चर्चित स्थान, चर्चित स्थान ये जो पहले नंबर पर है आपका रीवा लखौनी ग्राम, रीवा लखौनी ग्राम लास्ट ईयर सॉरी लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी हमने इसे कवर किया था। रीवा लखौनी ग्राम ये कहाँ पर है, ये है आपके आरंग रायपुर में, आरंग रायपुर में आपके पिछले मंथ से आपका उत्खनन कार्य, पुरातात्विक विभाग द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक, देखिए ये जो आपका रीवा लखौनी ग्राम है, जब इसमें प्रारंभिक स्तर पर खुदाई की गई, आरंग रायपुर में लीवा रखौनी ग्राम में जब इसमें प्रारंभिक स्तर पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर आपका एक बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म का एक स्तूप मिला है। जो बौद्ध स्तूप है ये पूर्वोन्मुखी है, मतलब इस बौद्ध स्तूप का जो मुंह है ये पूर्व दिशा की ओर था, साथ ही साथ ये जो आपका बौद्ध स्तूप है ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक, तो लीवा रखौनी ग्राम में जब प्रारंभिक स्तर पर खुदाई की गई तो वहाँ पर आपका एक बौद्ध स्तूप मिला, पूर्वानुमुखी बौद्ध स्तूप मिला जो कि मिट्टी का बना हुआ था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही साथ यहां पे जब खुदाई किया गया तो यहां पे कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं लीवा रखौनी ग्राम में। देखिए ये जो लीवा रखौनी ग्राम है इसमें अभी खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया है, ये खुदाई कार्य आपके अगले 5 साल तक किए जाएंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 2000 साल पुरानी सभ्यता के जो साक्ष्य है ये मिलने की संभावनाएं काफ़ी जताई जा रही है। इसमें आपके मौर्य युगीन सभ्यता और सोमवंशकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलने के यहाँ पे संभावना है। ठीक, तो इसमें जब प्रारंभिक खुदाई की गई तो एक तो आपका बौद्ध स्तूप मिला है और कुछ राजवंश के यहाँ पे सिक्के मिले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सोने, चांदी और तांबे के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो आपका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है ये सोने का सिक्का आपका पृथ्वीदेव का है, कलचुरीकालीन शासक पृथ्वीदेव के सोने के सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से, रीवा लखौनी ग्राम से।
एक प्राप्त हुआ है आपका चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जो कि सातवाहन शासकों का है, एक है आपका तांबे का सिक्का जो कि कुषाण कालीन शासकों का है, और मिला है एक तांबे का सिक्का जो कि आपका जाजल्यदेव कलचुरी कालीन शासक का है। देखिए यहाँ पे जो आपका रिवर लखोनी ग्राम है इसमें प्रारंभिक स्तर पर खुदाई की गई, जहाँ पे आपका प्राचीनकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं और कुछ सिक्के यहाँ से मिले हैं जो कि कुछ राजवंशों के हैं। जो सोने का सिक्का है वो आपके पृथ्वीदेव का है, पृथ्वीदेव कलचुरी कालीन शासक। एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि आपका सातवाहनकालीन शासकों का है, एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि कुषाणकालीन शासकों का है, और कुछ तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के कलचुरीकालीन शासक जाजल्यदेव का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, एलिफेंट रिजर्व। छत्तीसगढ़ में अभी एलिफेंट रिजर्व डेवलप किया जाएगा आपका लेमरू वन परिक्षेत्र कोरबा में। इसको याद रखना है, लेमरू वन परिक्षेत्र कोरबा, लेमरू वन परिक्षेत्र कोरबा में अभी आपका ये जो एलिफेंट रिजर्व है इसे मंजूरी मिल गई है। ठीक, लगभग 450 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इसे डेवलप किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा तो वर्ष 2007 में इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन तत्कालीन उस समय के जो आपके सरकार थी उसके इस दिशा में कोई सकारात्मक आपके कार्य नहीं किए गए, जिसके कारण ये काफ़ी समय से अटका रहा। लेकिन अभी जो नई सरकार आई है उसने भी इसके इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ये जो है ये आपके हाथी मानव द्वंद्व को कम करने के लिए इस एलिफेंट रिजर्व को डेवलप किया जा रहा है। हाथी मानव द्वंद्व मतलब हाथी जो कई बार आपके मानव बसाहटों में घुस जाते हैं जिससे काफ़ी जानमाल की हानि होती है, तो ये आपका इसी को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार ने 2007 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार के इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं किए गए। वर्तमान सरकार ने इसके लिए अब मंजूरी दे दी है, वर्तमान राज्य सरकार ने। तो एलिफेंट रिजर्व जो डेवलप किया जा रहा है आपके लेमरू वन परिक्षेत्र में कोरबा में, कोरबा जिले के, ठीक, इसमें जो है आपका लगभग 280 हाथियों को इस लेमरू वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व में रखा जाएगा। देखिए ये जो 280 के जो हाथियों का आंकड़ा है ये वन विभाग के लिए जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो आपके हाथियों को जो निगरानी रखी जाती है ये आपके रेडियो कॉलर के माध्यम से रखी जाती है, तो लगभग आपके सरगुजा से लेकर के ये रायपुर राजधानी तक लगभग 280 हाथियों का कुछ एक समूह है। ठीक, तो इनको ही आपका एक क्षेत्र में सीमित करने के लिए एक एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है जो कि लेमरू वन परिक्षेत्र कोरबा जिले में डेवलप किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम सब जानते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोटर्फ क्या है? एस्ट्रोटर्फ का मतलब होता है कृत्रिम घास। एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है कृत्रिम घास से बना हुआ, आर्टिफिशियल ग्रास, कृत्रिम घास से बना हुआ एक आपका हॉकी स्टेडियम अभी डेवलप किया गया है। देखिए ये कहाँ पर है, ये है आपका बहतराई बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला के बहतराई में आपका एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ये जो है ये आपका बिलासपुर का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, बिलासपुर का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जबकि राज्य का यह चौथा हॉकी स्टेडियम है। राज्य का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम आपके राजनांदगांव जिले में है। ठीक, राज्य का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम आपके राजनांदगांव जिले में है। ये जो आपका अभी जो उद्घाटन किया गया है ये नए एस्ट्रोटर्फ आपके हॉकी स्टेडियम का, ये बिलासपुर जिले का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, जबकि राज्य का यह चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राज्य का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। राज्य का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया गया है आपके तेंदुआ ग्राम रायपुर में राज्य का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया गया है। नाम से ही स्पष्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर मतलब यहाँ ड्राइविंग सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके ड्राइविंग के साथ साथ यहाँ पर एक आपका स्टडी रूम है। ड्राइविंग से संबंधित रूल रेगुलेशन को जानने के लिए यहाँ पर एक आपका स्टडी रूम बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सिम्युलेटर सिस्टम के माध्यम से भी ड्राइविंग सिखाई जाएगी। सिम्युलेटर सिस्टम मतलब एक बहुत बड़े स्क्रीन पर देख करके ड्राइविंग सीखना। ठीक, तो ऐसे एक सिम्युलेटर सिस्टम के माध्यम से भी यहाँ पर एक ड्राइविंग सिखाया जाएगा। तो ये राज्य का आपका पहला सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो कि आपके तेंदुआ ग्राम रायपुर में डेवलप किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का पहला उद्योग नगर ये डेवलप किया जा रहा है आपके सुकमा जिले में। सुकमा जिले के आपका एर्राबोर ग्राम
एर्राबोर ग्राम राजपेटा। एर्राबोर ग्राम राजपेटा में प्रदेश का पहला आपका उद्योग नगर विकसित किया जा रहा है। ठीक, इसकी घोषणा हमारे उद्योग मंत्री कवासी लकमा ने की है। इसके लिए लगभग एक 25 एकड़ की भूमि एक निजी व्यक्ति से लीज पर लिया गया है। अब वहाँ पर एक बुनियादी एक स्ट्रक्चर तैयार करके उद्योगपतियों को या बिजनेसमैन को इसमें उद्योग स्थापित करने के लिए सौंपा जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपके प्रदेश का पहला आपका उद्योग नगर है। कहाँ पर ये मौजूद है? आपका एर्राबोर ग्राम राजपेटा सुकमा जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका नगरनाथ स्टील प्लांट। नगरनाथ स्टील प्लांट जिसका मुख्यालय बनाया जाएगा अब आपके नगरनाथ दंतेवाड़ा में। काफ़ी समय से आपके इस नगरनाथ स्टील प्लांट के जो मुख्यालय है इसे बनाए जाने की जो संभावना जताई जा रही थी हैदराबाद में थी, लेकिन आपके वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब इस नगरनाथ स्टील प्लांट जो दंतेवाड़ा जिले का जो आपका नगरनाथ क्षेत्र में जो विकसित किया जा रहा है नगरनाथ स्टील प्लांट, अब इसका मुख्यालय हैदराबाद की जगह हमारी ही प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले के नगरनाथ में ही से बनाया जाएगा। इससे काफ़ी सहायता भी मिलेगी। यहाँ पर जो आपके इस नगरनार स्टील प्लांट में जो भर्ती के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होगी वो भी यहाँ के जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में ही होगी। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि नगरनार स्टील प्लांट का मुख्यालय कहाँ है, ये है आपके नगरनार दंतेवाड़ा जिला में। अब देखिए निधन में देखिएगा खुमान लाल साहू जिन्हें छत्तीसगढ़ लोक संगीत का पुरोधा कहा जाता है। इनका भी हाल फिलहाल में इनके जो निवास ग्राम है ये है आपके ठेकुआ राजनांदगांव में, इनकी अभी निधन हो गया। देखिए ये जो है ये आपके चंदैनी गोंदा के ये संचालक थे। चंदैनी गोंदा एक लोक सांस्कृतिक मंच था, ये इसके ये संचालक थे। साथ ही साथ इन्होंने दाऊ दुलार सिंह मंदिरा जी की रवेली नाचा पार्टी से भी जुड़े हुए थे। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये है खुमान लाल साव जो कि आपके राजनांदगांव जिले से संबंधित है। चंदैनी गोंदा के संचालक थे, दाऊ दुलार सिंह मंदिरा जी की रवेली नाचा पार्टी से ये जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसकी आर्थिक सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो आर्थिक सहायता राशि है उसे 15,000 से बढ़ा करके अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा। देखिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित है आपका 65 लाख परिवारों को, प्रदेश में जितने भी 65 लाख परिवार हैं पहली बात तो सबके राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे। प्रति राशन कार्ड यानी हर एक राशन कार्ड पर आपका 35 किलो चावल दिया जाएगा। हर एक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल दिया जाएगा यानी प्रत्येक राशन कार्ड जो है वो मैक्सिमम 5 सदस्यों के लिए बना हुआ है। ठीक, अगर 5 से ज़्यादा सदस्य होते हैं, 5 से ज़्यादा सदस्य होने पर आपका 7 किलो चावल प्रति सदस्य दिया जाएगा। देखिए प्रदेश है पहली बात तो 65 लाख परिवारों के आपके राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, साथ ही साथ जो आपके जो प्रति राशन कार्ड है उसमें 35 किलो तक चावल दिया जाएगा। ये जो 35 किलो चावल है ये 5 सदस्यों के लिए है, लेकिन यदि परिवार में 5 से ज़्यादा सदस्य है तो प्रति सदस्य यानी जितने भी एक्स्ट्रा सदस्य है प्रति सदस्य 7 किलो चावल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका एपीएल परिवारों को 10 रुपये किलो प्रति चावल की दर से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 रुपये किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है गरीब परिवारों को, लेकिन जो आपके एपीएल परिवार है उन्हें 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान। हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान इससे पहले ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान ये कि ये आपके पौधारोपण से संबंधित है। देखिए ये जो हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान है इसमें आपका इस वर्ष पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है आपका 7,13,00,000। पौधारोपण का जो लक्ष्य रखा गया है ये है आपका 7,13,00,000। ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है व्यापम के। ठीक, तो इस बार जो आपके हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान का जो पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है वो है आपका 7,17,00,000। इसमें जो है पांच प्रमुख नदियों को इसमें चिन्हित किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ भर में आपके अलग अलग विभागों के माध्यम से 7,13,00,000 आपके पौधों का रोपण तो किया जाएगा, लेकिन इसमें से इस 7,13,00,000 में से कुछ आपके फलदार वृक्ष इन पांच प्रमुख नदियों के तट पर भी आपके रोपे जाएंगे। ये पांच प्रमुख नदियां हैं आपकी इंद्रावती, शिवनाथ, खारून, सकरी और अर्पा। ठीक, इंद्रावती, शिवनाथ, खारून, सकरी और अर्पा इन पांच नदियों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस 7,13,00,000 पौधों में से कुछ फलदार पौधे जो आपके फल देने वाले जो वृक्ष रहेंगे उसके पौधों का रोपण इन पांच प्रमुख नदियों के तट के किनारे किया जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में देख लीजिए फेमिना मिस इंडिया 2019, फेमिना मिस इंडिया 2019 का टाइटल जीता है आपके सुमन राव ने, राजस्थान की सुमन राव ने आपके फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता है। ठीक, छत्तीसगढ़ की जो आपकी शिवानी जाधव है, छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव इस फेमिना मिस इंडिया 2019 में फर्स्ट रनर अप रही, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है आपकी सुमन राव, सेकंड नंबर पर है आपकी शिवानी जाधव, छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव सेकंड पोजीशन पर है, या इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट रनर अप। देखिए इन्हें भी टाइटल दिया गया है, मिस इंडिया का टाइटल तो दिया गया है आपके सुमन राव को, लेकिन मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल दिया गया है आपके शिवानी जाधव को, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है देख के उसको उसका आंसर राइट टिक कीजिएगा। देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि मिस इंडिया, ये फेमिना को हटा दीजिए, मिस इंडिया का टाइटल किसे दिया गया है, सुमन राव राजस्थान। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल किसे दिया गया है, ये है आपके शिवानी जाधव। ये जो आपकी शिवानी जाधव है ये अभी कुछ समय बाद आपका मिस ग्रैंड इंटरनेशनल वेनेजुएला में होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, इसलिए इन्हें ये टाइटल दिया गया है। ठीक, तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल दिया गया है छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव को, जबकि मिस इंडिया का टाइटल दिया गया है आपके सुमन राव को। ठीक, देखिए ईशान भटनागर ये आपकी एक बैडमिंटन प्लेयर है जिनका छत्तीसगढ़ टीम, एक बैडमिंटन प्लेयर है जिनका आपका छत्तीसगढ़ बैडमिंटन प्लेयर है जिनका आपका इंडिया टीम में चयन हुआ है। इंडिया टीम में आपका एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि चाइना में इसका आयोजन होने वाला है, तो आपके इस एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के ईशान भटनागर का भारतीय टीम में चयन हुआ है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपके रैंकिंग में है, पहले नंबर पर है आपका हेल्थ रैंकिंग जिसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना है, हेल्थ रैंकिंग जिसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। सबसे पहले हम इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले नंबर पर है ओवरऑल रैंकिंग, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ओवरऑल रैंकिंग में है छत्तीसगढ़ की स्थिति 13वें नंबर पर, ओवरऑल रैंकिंग में 13वें नंबर पर है, जबकि इंक्रीमेंटल रैंकिंग पर छत्तीसगढ़ की स्थिति है 11वें नंबर पर। ओवरऑल रैंकिंग मतलब ये इसमें जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित ये जो आपका सूची जारी किया गया है या जो आपके स्वास्थ्य रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें अलग अलग बहुत सारे पैमाने हैं, जैसे मातृत्व मृत्यु दर हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, नवजात मृत्यु दर हो गया, ये बहुत सारे इसमें आंकड़े कम से कम 29 के आसपास संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, तो इसमें जो पूरा का पूरा एक हेल्थ इंडेक्स, उसमें क्या है देखिए जो ओवरऑल रैंकिंग है इसमें कितने जल्दी चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जा सकती है या कितनी क्रियाशील चिकित्सकीय सुविधा किस राज्य में है, बहुत सारे पैमाने हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे एक ओवरऑल यदि आपका आंकड़ा देखा जाए या ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए, तो ओवरऑल रैंकिंग में स्वास्थ्य या आपकी जो हेल्थ रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का जो पोजिशन है वो है आपका 13वां। ठीक, अब आता है इंक्रीमेंटल रैंकिंग मतलब किस राज्य ने इस स्वास्थ्य के सुधार के पैमाने में सबसे ज्यादा कार्य किए, मतलब देखिए ये क्या है, ये तो आपका हो गया हेल्थ रैंकिंग, लेकिन ये क्या है स्वास्थ्य सुधार के रैंकिंग, इंक्रीमेंटल मतलब स्वास्थ्य सुधार के मामले में किसने आपका एक सराहनीय कार्य किया, थोड़ा इंक्रीमेंट किया है। ठीक, ये होता है, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुधार के मामले में या पिछले वर्ष की तुलना में किस राज्य की जो पोजीशन है वो बढ़ी है, किस राज्य की पोजीशन बढ़ी है, ये होता है आपका इंक्रीमेंटल रैंकिंग, यानी स्वास्थ्य सुधार के पैमाने में किए गए कार्य। ठीक, तो ये है आपके, इसमें छत्तीसगढ़ है आपके 11वें स्थान पर, ओवरऑल रैंकिंग में 13वें स्थान पर है, लेकिन स्वास्थ्य सुधार के पैमाने में किए गए कार्य के मामले में छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर कंफ्यूजन होता है तो देखिए एग्जाम में जब कभी प्रश्न आता है तो एक साइड इंग्लिश में टाइप रहता है, एक साइड आपके हिंदी में टाइप रहता है, कंफ्यूजन लगे तो साइड इंग्लिश वाले को थोड़ा देख लीजिएगा, ओवरऑल रैंकिंग पूछ रहा है, ओवरऑल हेल्थ रैंकिंग पूछ रहा है या इंक्रीमेंटल हेल्थ रैंकिंग पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर टिक कीजिएगा। ठीक, ये दोनों टर्म यूज हुए हैं आपके नीति आयोग के रिपोर्ट में, ओवरऑल हेल्थ रैंकिंग और इंक्रीमेंटल हेल्थ रैंकिंग। एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा गया तो इंग्लिश टाइप्ड सेक्शन में आपको ये दोनों के दोनों टर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट का जो आपका शीर्षक रखा गया था यह था आपका हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, स्वस्थ राज्य बढ़ता भारत। ठीक, हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। देखिए इसमें जो है ये जो हेल्थ रैंकिंग जो तैयार की गई थी इसमें 21 बड़े राज्यों को
8 छोटे राज्यों को और आपके यूनियन टेरिटरीज मींस आपके केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। 21 बड़े राज्य जैसे आपके उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, 8 छोटे राज्य जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया जो आपके सेवन सिस्टर वाले हैं, सिक्किम हो गया, ठीक, और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश मतलब चंडीगढ़ हो गया आपका, दादर नगर, दमनदीप, लक्षद्वीप, ये सब आपके यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैं इसमें आपको ये जो आंकड़े बताऊंगा अभी, ये जो आंकड़े हैं ये आपके ओवरऑल रैंकिंग के हैं, ठीक, इनके इंक्रीमेंटल रैंकिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके इंक्रीमेंटल रैंकिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल रैंकिंग याद कीजिएगा सफिशियंट है। देखिए 21 बड़े राज्यों में केरल है आपका फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक। 21 बड़े राज्यों में केरल है आपके पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है आपका आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। देखिए इस 21 बड़े राज्यों की सूची में ही हमारा छत्तीसगढ़ है 13वें स्थान पर, आठ छोटे राज्यों में टॉप पोजीशन पर है, पहले नंबर पर है आपका मिजोरम और इसमें डायरेक्ट याद रखिएगा लास्ट पोजीशन पर है नागालैंड। 8 छोटे राज्यों में टॉप में है मिजोरम और सबसे लास्ट पोजीशन पर है आपका नागालैंड। यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेशों में आपका टॉप में है चंडीगढ़ और सबसे लास्ट पोजीशन पर है आपका दमनदीप, ठीक, टॉप में चंडीगढ़, सबसे लास्ट पोजीशन पर है आपका दमनदीप, इतना याद रखिए सफिशियंट है। छत्तीसगढ़ की दोनों रैंकिंग याद रखिएगा और बाकी इनकी आप केवल ओवरऑल रैंकिंग याद रखिएगा, इंक्रीमेंटल रैंकिंग याद करने की ज़रूरत नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ और आंकड़े निकल के सामने आए हैं इस नीति आयोग की रिपोर्ट में, शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में जो शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है उसे समझिएगा। एक है आपका नवजात मृत्यु दर और 0 से 5 वर्ष, नवजात मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है आपके 26 प्रति 1000, नवजात मतलब जस्ट जिन बच्चों का अभी जन्म हुआ है, ठीक, उन्हें काउंट किया जाता है नवजात के अंतर्गत। देखिए और जो 0 से 5 वर्ष है इस दोनों की रैंकिंग अलग अलग है, मतलब ये आंकड़े क्या बताते हैं, प्रति हजार जीवित जन्म बच्चों में से मृत बच्चों की संख्या आपकी शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है, मतलब जिन बच्चों का जन्म हो चुका है तो प्रति हजार जीवित जन्म बच्चों में से मृत बच्चों की संख्या, जिन बच्चों का जन्म हो चुका है उसके बाद अगर उन बच्चों की मृत्यु होती है वो आंकड़े है ये, ठीक। तो देखिए यदि हम नवजात शिशुओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 26 प्रति 1000 है नवजात मृत्यु दर, छत्तीसगढ़ में है 26 प्रति 1000, जबकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में देखें तो ये है आपका 49 प्रति 1000, ठीक, इंपॉर्टेंट है दोनों आंकड़े याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2, ये क्या है फेज 2 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ रहा अव्वल, यानी पहले पोजीशन पे, क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ रहा अव्वल, जिसे दिए गए कार्य का छत्तीसगढ़ ने 89% कार्य अपने दिए गए समय से पहले ही पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 2 के एक आंकड़े जारी किए गए जिसमें यह चीज़ सामने आया कि छत्तीसगढ़ को जो आपके सड़क बनाने का जो कार्य दिया गया था, जितना कार्य छत्तीसगढ़ को अलॉट हुआ था तो उसने अपने निर्धारित समय से पहले ही 89% कार्य पूरा कर लिया है और इस क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन की सूची में पहले पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ को जो आपको सड़क बनाने के लिए जो आपको स्वीकृत दिया गया था लगभग 2248 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था छत्तीसगढ़ को सड़क निर्माण के लिए, तो अपने निर्धारित समय से पहले ही छत्तीसगढ़ ने आपका 2014 किलोमीटर के सड़क का निर्माण कर चुका है, तो इस आंकड़े के साथ छत्तीसगढ़ पहले पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 80% के साथ और तीसरे नंबर पर है केरल 72% के साथ। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए छत्तीसगढ़ 89%, ठीक। नेक्स्ट है शक्कर उत्पादन 2018-19, छत्तीसगढ़ में आपके वर्तमान में 4 शक्कर कारखाने संचालित हैं, तो इन 4 शक्कर कारखानों का वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्पादन का क्या रिकॉर्ड रहा इसे देख लीजिए। प्रदेश का शक्कर उत्पादन या प्रदेश की शक्कर उत्पादन की क्षमता रही वित्तीय वर्ष 2018-19 में 77,015 मेट्रिक टन के शक्कर का उत्पादन किया गया हमारे प्रदेश में। देखिए ये तो शक्कर का उत्पादन है, अब देखिए पहले तो समझ लीजिए कौन कौन सा शक्कर उत्पादन है। एक है आपके भोरमदेव
शुगर मिल जो कि कवर्धा में है, सरदार वल्लभ भाई शुगर मिल जो कि कवर्धा में है, महामाया शुगर मिल जो कि सूरजपुर में है, और दंतेश्वरी शुगर मिल जो कि बालोद में है। इनका लोकेशन आपको याद रखना है, जगह कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शुगर मिल है इनके द्वारा लोकेशन याद रखने हैं। तो देखिए ये जो आपके 77,015 मैट्रिक टन का जो आपके शक्कर का उत्पादन किया गया, उसमें से जो सर्वाधिक शक्कर का जो प्रोडक्शन किया है वो है आपके भोरमदेव शुगर मिल ने। इस 77,000 में से 25,700 मैट्रिक टन का आपकी शक्कर का उत्पादन भोरमदेव ने किया है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है आपका सरदार पटेल शुगर मिल कवर्धा, थर्ड पोजीशन पर है आपके महामाया शुगर मिल सरगुजा सूरजपुर, और फोर्थ पोजीशन पर है आपका दंतेश्वरी शुगर मिल बालोद। ठीक, 75,015 मैट्रिक टन का आपके शक्कर का उत्पादन रहा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए। भोरमदेव शुगर मिल ने 25,700 मैट्रिक टन के शुगर का उत्पादन किया, सरदार पटेल शुगर मिल ने आपके 24,500 मैट्रिक टन के शुगर का उत्पादन किया। उसके बाद महामाया शुगर मिल सूरजपुर ने 21,100 मैट्रिक टन शुगर का उत्पादन किया, जबकि दंतेश्वरी शुगर मिल बालोद ने आपके 5,599 मैट्रिक टन शुगर का उत्पादन किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, ये आंकड़े आपके प्री में तो नहीं पूछे जाएंगे, मेंस में छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका वन रिपोर्ट जो कि आपका 2017 का है। ये वन रिपोर्ट कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी 2019 में पब्लिश हुआ है, गलत है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो वन रिपोर्ट है 2017 का वन रिपोर्ट था, जो कि पिछले साल 2018 में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। पिछले साल जो भी करंट अफेयर का हमारा सीरीज चला था, उस करंट अफेयर के सीरीज में मैंने वन रिपोर्ट के सारे आंकड़े मैंने उसमें कवर कराए थे, ये वही वन रिपोर्ट है। लेकिन अभी क्या है, कुछ पेड़ों की कटाई ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी, इस कारण से ये वन रिपोर्ट दोबारा आपके हाईलाइट में आया है। ठीक, तो यदि जिस किसी ने भी देखा नहीं हो तो पुराने आपके करंट अफेयर को जाकर के देख सकते हैं, उसमें ये सारे के सारे वन रिपोर्ट के आंकड़े मैंने अच्छे से उसमें समझाए हैं। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर ये जो वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट में क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है आपके मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़। किसमें? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का है, तीसरे नंबर पर। ठीक, देखिए अब इसके आंकड़े भी याद करना है तो आंकड़े भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाइन से है 77,066,055 सभी में 11-11 का अंतर है। मध्य प्रदेश जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है जो कि है आपका 77,000, देखिए मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, 77,000 के बाद भी आपके कुछ डिजिट है लेकिन हमको अप्रोक्स में याद रखना है। मध्य प्रदेश जिसमें लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रफल में आपके वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश जिसमें 66,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपका वन क्षेत्र है, तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ जिसमें 55,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपका वन क्षेत्र है। देखिए घनत्व की यदि मैं बात करूँ, घनत्व के आधार पर फर्स्ट पोजीशन पर है आपका लक्षद्वीप का 90% हिस्सा, लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा आपका वन क्षेत्र है। सेकेंड पोजीशन पर है आपका मिजोरम में आपका 86% आपका वन घनत्व है। देखिए ये जो थे क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल के आधार पर पहले पे है एमपी, दूसरे पे है आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। लेकिन वन घनत्व मतलब कुल क्षेत्रफल का, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका वन क्षेत्र है, तो मिजोरम का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उस लगभग 86% आपका जो क्षेत्रफल है वो आपके वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, तो सारे आंकड़े इसमें कवर कर दिए गए हैं, तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। कि तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।